हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से बात करते हैं ह्यूमन डिसीजेस के बारे में। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डिसीजेस कितनी तरह की होती हैं। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ पहले जाकर उसे देखें। उसमें मैंने बात की थी बैक्टीरिया एंड वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में, उनकी कॉजेस, सिम्टम्स एंड वैक्सीन्स के बारे में। अगर आपको मेरी वो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये जो रेड बटन है, बेल आइकन है, उस पर क्लिक करें, लाइक करें, ठीक है। आज हम बात करते हैं प्रोटोजोन, हेलमेंट्स एंड मेटल से होने वाली बीमारियों के बारे में। फ्रेंड्स, जो लास्ट टाइम मैंने वायरल डिसीजेस पढ़ाई थी उसमें ये जीका वायरस भी ऐड कर लीजिएगा। वैसे कभी पूछा नहीं जाता है, पर ये वायरसेस काफ़ी ट्रेंड में रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो जीका वायरस है, ये जीका वायरस की वजह से होता है, और ये जो फैलता है ये एनिमल और इंसेक्ट बाइट की वजह से फैलता है, ठीक है। या अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट करते हैं उसकी वजह से फैलता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं आँखों में दर्द होना, जोड़ों में और मांसपेशियों में दर्द होना, ठंडा पड़ जाना बॉडी का, थकान होना, बुखार आना, भूख मिटना, पसीने आना, और गुलेन बेयर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ये हमारे नर्व्स पे अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है। ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मैंने एक रफ इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोन डिसीजेस के बारे में। तो जो प्रोटोजोन डिसीज होते हैं, प्रोटोजोआ क्या होता है, इसको हम परजीवगढ़ बोलते हैं हिंदी में। ये बेसिकली अगर आप देखा जाए तो जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। इनकी वजह से क्या क्या होता है, मलेरिया, कालाजार, ठीक है, जियार्डियसिस, ट्राइपैनोसोमियसिस, अमीबियसिस, ठीक है, ये सब होते हैं। तो पहले मलेरिया के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो मलेरिया होता है ये होता है प्लास्मोडियम की वजह से, ठीक है। और ये जो प्लास्मोडियम प्रोटोजोन है ये कौन फैलाता है, ये जो फीमेल एनोफिलस मस्किटो होती है ना, ये फैलाती है, ठीक है। ये चार तरह के होते हैं प्लास्मोडियम, चार तरह के इसकी प्लास्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। प्लास्मोडियम वाइवेक्स, प्लास्मोडियम मलेरिया, प्लास्मोडियम फॉल्सीपैरम एंड प्लास्मोडियम ओवे, ठीक है। तो ये जो चारों प्लास्मोडियम हैं ये अपने अपने इंक्यूबेशन पीरियड और अपनी अपनी साइकिल की वजह से डिफर करते हैं, ठीक है। तो जो प्लास्मोडियम वाइवेक्स होता है उसमें क्या होता है, बुखार जो है हर 48 घंटे में आ जाता है, ठीक है। और जो मलेरिया जो होता है प्लास्मोडियम, उसमें हर 72 घंटे में आता है, ठीक है। और जो फॉल्सीपैरम है उसमें हर 36 घंटे में आते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा फैटल होता है, यानी कि ये बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें डेथ हो जाती है। और जो प्लास्मोडियम ओवेट होता है उसमें हर 48 घंटे में होता है, फाइन। तो इसके लिए जो ड्रग है, जो प्रोडक्ट है, ये है क्विनाइन है इसके ट्रीटमेंट के लिए। ये हमें किससे मिलता है, सिंकोना ट्री से मिलता है। सिंकोना ट्री को हम हिंदी में कुनेन का पेड़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसकी वजह से होता है। इसके क्या सिम्टम्स हैं, ठंडी पड़ जाना बॉडी, घबराहट होना, हेडेक, और ये जो फीवर साइकिल्स मैंने अभी बताई थी, ठीक है। अब बात करते हैं काला आजार के बारे में। ये इसको हम लेशमैनियसिस भी बोलते हैं और डमडम फीवर भी बोला जाता है। इसको हिंदी में काला ज्वर भी बोलते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, लेशमैनियसिस डोनोवेनी प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ये जो फैलता है ये सैंड फ्लाई की वजह से फैलता है, फाइन। इसमें क्या होता है, जो हमारी जो स्प्लीन और जो लिवर होता है वो बड़ा हो जाता है। स्प्लीन क्या होता है, इसको हम तिल्ली भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आरबीसीज जो है, रेड ब्लड सेल, वो रिसाइकल होते हैं, ठीक है। तो ये उसकी वजह से फैलता है, ठीक है। बस इसके बारे में यही जान लीजिए कि ये लेशमैनियसिस डोनोवेनी की वजह से होता है, और ये जो फैलता है ये सैंड फ्लाई की वजह से फैलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जियार्डियसिस के बारे में। जो जियार्डियसिस है, ये जियार्डियसिस इंटेस्टिनलिस की वजह से होता है, ठीक है। ये नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसमें जो है डायरिया हो जाता है, और जो स्टूल्स होते हैं वो बहुत ही स्मेली और ग्रीसी अजीब से होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राइपैनोसोमियसिस के बारे में। तो ये जो ट्राइपैनोसोमियसिस है, ये ट्राइपैनोसोमा
की जो स्पीशीज होती हैं उनकी वजह से होता है, और ये फैलता है किस वजह से, सीसी फ्लाई की वजह से, जो सीसी मक्खी होती है उसकी वजह से फैलता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सीसी फ्लाई ट्राइपैनोसोमियासिस फैलाती है, जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और गैम्बियन फीवर। फाइन। इसके जो सिम्टम्स हैं वो ज्यादा कभी पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ज्यादातर स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। फाइन। अब ये जो अमीबियसिस है, इसको अमीबियसिस डिसेंट्री और एंटेराइटिस भी बोलते हैं। ये एंटामीबा हिस्टोलिका की वजह से होता है। फाइन। और इसमें क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, और जो स्टूल्स जो होते हैं हमारे, उसमें ब्लड आने लग जाता है। फाइन। बस, और ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, बस यही पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेलमिंथिक डिसीज के बारे में। जो हेलमिंथ्स होते हैं वो क्या होता है, इसको हम पेट का कीड़ा भी बोलते हैं, यानी कि किकिक्षीय बोला जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, एस्केरियसिस होता है, फिलेरियसिस होता है, टेनियसिस होता है। फाइन। जो एस्केरियसिस जो है वो एस्केरियसिस लुम्ब्रिकॉइड्स की वजह से होता है, और ये फैलता किसकी वजह से, इसके वेक्टर क्या है, कॉकरोच एंड फ्लाइज हैं इसके वेक्टर। फाइन। इसमें क्या होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, कमजोरी आ जाती है, वीकनेस, ठीक है, और एनीमिया, यानी कि आरबीसीज जो है हमारे ब्लड में से कम हो जाती हैं, और डायरिया यानी कि पेट चलने का, और उल्टी, ये सब हो जाते हैं। फाइन। और ये जो फिलेरियसिस होता है, जिसको हम एलिफेंटियसिस भी बोला जाता है, और हिंदी में इसे फील पाँव यानी कि हाथी पाँव भी बोला जाता है, तो ये किसकी वजह से होता है, व्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी की वजह से होता है, और ये जो फैलता है ये क्यूलेक्स मस्किटो की वजह से फैलता है। फाइन। जिनको फील पाँव हुआ होता है उन उनके साथ क्या होते हैं, उन पीड़ित व्यक्ति के साथ क्या होता है, उनके अंडकोश, स्तन या बाकी जो अंग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सूज जाते हैं, हाथ पांव भी बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेनियसिस के बारे में। जो ये होता है, टेनिया सोलियम की वजह से होता है, और ये फैलता है किसकी वजह से है, पिक की वजह से फैलता है। फाइन। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है एब्डोमिनल पेन, इनडाइजेशन, उल्टी, ठीक है, इंडाइजेशन मतलब खाना ना पचना, कॉन्स्टिपेशन, और एनोरेक्सिया यानी कि भूख ना लगना, और नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं। फाइन। अब हम बात करते हैं एलिमेंट से, मेटल से होने वाली डिसीजेस के बारे में। ये इन चार डिसीजेस के बारे में बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये जो मिनीमेटा डिसीज होती है, ये सबसे पहले जापान में डिस्कवर हुई थी। ये किसकी वजह से होता है, मरकरी की वजह से होता है। मरकरी जो है अकेला ऐसा मेटल है जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे भी लिक्विड रहता है, ठीक है। तो ये जो मरकरी है, मरकरी की वजह से ये मिनीमेटा डिसीज होती है। इसके क्या सिम्टम्स है, एटेक्सिया, नमनेस यानी कि हाथ पाँव में कुछ फील नहीं होता है, दिखाई पड़ना कम होने लगता है, सुनने में भी कमी होने लगती है, पैरालिसिस, कोमा और डेथ, ठीक है। और ये जो इटाई इटाई डिसीज है, ये कैडमियम की वजह से होता है। फाइन। कैडमियम ये इसमें क्या होता है, बोन्स सॉफ्ट होने लगती हैं, हड्डियां, किडनी फेल होने के चांसेस होते हैं, एनीमिया यानी कि आरबीसी कम होने लगता है, कफिंग। फाइन। ये क्या था, अटेक्सिया, नहीं बताया ना मैंने आपको, अटेक्सिया एक नर्वस डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, वॉलेंट्री एक्शंस जो हैं वो बिगड़ जाते हैं, ठीक है। और ये जो डर्मेटाइटिस है, ये क्या है, ये निकेल की वजह से होता है। फाइन। इसमें क्या होता है, इचिंग होती है, ये एक तरीके से स्किन एलर्जी टाइप है, ठीक है, जो कि निकेल की वजह से होती है। इसमें इचिंग होती है, रैशेस हो जाते हैं, रेड रेड पैचेस होने लगते हैं, रेडनेस आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, स्मॉल ब्लिस्टर्स। इसका ना एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, ऐसा बोला जाता है। डर्मेटाइटिस भी एक्चुअली काफी तरह के होते हैं, पर अभी ये हम उस डर्मेटाइटिस की बात कर रहे हैं जो निकेल की वजह से होता है। तो इसमें यही होता है, स्किन एलर्जी टाइप का कुछ हो जाता है, ठीक है। इसका भी एकदम एग्जैक्ट
ट्रीटमेंट तो अभी नहीं हुआ है, पर अगर हम इन दोनों की बात करें, मिनेमेटा एंड इटाइटाई डिसीज की, तो ये दोनों के किसकी वजह से होते हैं? ये जो मर्करी और कैडमियम की वजह से होते हैं, ठीक है। ये कैसे पहुंचता है बॉडी में? ये ना जितना भी देखिए इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, वो पूरा रिवर्स में जाता है, ठीक है। और जो रिवर का जो पानी होता है वो हम कंज्यूम करते हैं, या जो सी फूड है वो हम खाते हैं, तो उसके थ्रू हमारी बॉडी में जाके ये जाके हमारे बॉडी में क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। फाइन, जितने भी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो रिवर्स को पॉल्यूट करते हैं, उनकी वजह से ये जो मेटल्स होते हैं वो रिवर में इकट्ठे हो जाते हैं। हमारी जब हम उस पानी को कंज्यूम करते हैं, उस सी फूड को कंज्यूम करते हैं, तो ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ये सिम्टम्स करते हैं। फाइन, क्योंकि लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि मिनीमेटर डिसीज जो है, जो कि फिश के खाने की वजह से होती है, वो किस मेटल की वजह से होती है, कौन सा मेटल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है मरकरी। फाइन, और ये डर्मेटाइटिस की अभी हमने बात कर ही ली थी, ये स्किन एलर्जी होती है एक तरीके की, जो निकल की वजह से होती है। फाइन, अच्छा, अब ये जो है विल्सन्स डिसीज, विल्सन डिसीज का क्या है? ये कॉपर एक्यूमुलेशन की वजह से होती है, यानी कि हमारी बॉडी में जो है कॉपर इकट्ठा हो जाता है। ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब ये हमारे जीन्स में जो डिफेक्ट होता है उसकी वजह से होता है। एक जीन होता है हमारी बॉडी में, इतना कभी डिटेल में पूछा नहीं जाता है, तो क्या होता है, वो जीन जो है डिफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से जो कॉपर ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी में वो डिस्टर्ब हो जाता है। एंड ये जो कॉपर जो हम फूड के थ्रू लेते हैं वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, ठीक है। तो ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इसके जो सिम्टम्स हैं ये है सूजन आना, थकान, एब्डोमिनल पेन या अनकंट्रोल मूवमेंट। फाइन, अच्छा, बात करते हैं ये जो मिनीमेटल, ये जो मेटल वाली जो डिसीजेस थी, इनके क्या ट्रीटमेंट है? तो इनका देखिए मिनीमेटा का एज सच कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं है, बस डॉक्टर्स क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए चीलेटर्स दे देते हैं, जो चीलेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि EDTA, ठीक है, ये दे देते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो चीलेटिंग एजेंट्स होते हैं, ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ये जाके क्या करते हैं, इन मेटल से बाइंड करते हैं, और इनको हमारी जब ये जो चीलेटिंग एजेंट इन मेटल से बाइंड करते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं, वो हमारी बॉडी में से निकल जाता है। फाइन, ये जो फुल फॉर्म है कई बार केमिस्ट्री वाले सेक्शन से भी आ जाते हैं कि EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी होती है इथाइलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। फाइन, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि EDTA की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये सब डिसीजेज, ये चारों डिसीजेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 2017 वाले में भी पूछी गई थी, 2018 वाला जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें भी इन डिसीजेज के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो इनको जरूर आप ध्यान दे लीजिएगा इन पे। एंड बाकी सारी डिसीजेस हमने कवर कर ही लिए हैं जो भी पूछी गई थी, बस आप उनके कॉजेस, ठीक है, सिम्टम्स और वैक्सीन्स पे ध्यान दे लीजिएगा, बस यही सब पूछा जाता है एग्जाम में, और कुछ नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस रेड बटन पे क्लिक करें एंड लाइक करें। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।